अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे जी। आज का व्लॉग शुरू करते हैं आपकी दुआओं के साथ। ये उकाशा लेटा हुआ है। उकाशा क्या कर रहे हो? उकाशा की तबीयत ठीक नहीं है, उकाशा लेटा हुआ है। उकाशा ने नाश्ता भी नहीं किया। ये उकाशा का नाश्ता पड़ा है और उसकी चाय जो है वो गर्म करनी है अभी। और ये लो अपना कंबल लेके लेटो। ये उकाशा का कंबल है, उकाशा ने इसकी टाई वो भी उतार दिया है ना, उतार दिया ना। ये टॉवल छोड़ दो पापा का। ये सोफ़िया कवर मैंने वॉश करके यहाँ पे रखा है और नीचे मैंने इसके ये वाला कवर बिछाया ताकि वार्म रहे। और ये कुछ कपड़े हैं प्रेस होने के लिए रखे हैं, बाकी सारे काम फिनिश कर लिए हैं मैंने। ये कपड़े प्रेस करने हैं आज और कमरा शमरा सेट कर लिया है, सफाई करके कारपेट तय करके रखा है, अभी रखती हूँ, आ रही हूँ ला रही हूँ। ये देखें जी सबसे खूबसूरत सीन यहाँ पर है। ये कर्टन मैंने हटाया था थोड़ी देर पहले, लाइट गई थी। ये जी ऐसे विंडो है, इस विंडो से बाहर नज़र आता है और बहुत प्यारा लगता है अगर नज़र आए तो। बाहर का सीन है, बारिश हो रही है और नज़र आ रहा है बाहर से थोड़ा थोड़ा। ये जी मैंने लिया था एक न्यू बैग, कुछ कटर्स न्यू लिए थे, ये बैग न्यू लिया था और दो लिपस्टिक्स भी न्यू ली थी, आपके साथ शेयर करते हैं। ये जी एक लिपस्टिक ये वाली है, कुछ इस तरह का शेड है इसका, अभी लगाते हैं। और एक लिपस्टिक है और एक लिपस्टिक ये है जी। पिंक किस्ती है ये। और ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है, बाकी सारा मेकअप इस बैग में है। कहीं जाना हो तो जल्दी जल्दी बस ये बैग हम यूज़ करते हैं। और वो सारी परफ्यूम्स की कलेक्शन है। अभी हम आ गए किचन में, हंडिया बनानी है और चने बनाने हैं काले, किसमें फीडर में। और जी उकाशा की चाय गर्म हो गई है। हाँ गर्म हो गई है, थोड़ी हुई है, थोड़ी सी और कर ले। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा था ना उसमें। अच्छा जी आपसे शेयर करना था, ये शहद है बहुत ही आला। अभी वैसे दूसरा शहद नहीं मिला था ओपन, तो हम लोगों ने ये ट्राई किया। ये सेकंड बॉटल है और ये बहुत अच्छी है। और मैंने कुछ शॉपिंग की थी, कटर्स मुझे कुछ मिले हैं बड़े अच्छे से शादी के लंच बॉक्स के लिए। अरे उन लोग क्या है ये, लेकिन बस मैंने ले लिया है क्योंकि उसे कटिंग हुई हुई चीज़ें काफ़ी पसंद हैं। तो एक ये था डक और एक क्राउन, एक ये है, ये आई थिंक स्नो मैन है। और ये भी कुछ, और ये ट्री है, तो ये अब उसके लंच में यूज़ हो जाएंगी ये कटिंग सारी। और एक और था आयरन मेटल कटर, पता नहीं वो कहाँ पे चला गया। उकाशा को दूध गर्म करके दे रही हूँ थोड़ी सी चाय, क्योंकि उसका ज़ुकाम हुआ था उसको। और फिर ये सारे बर्तन वॉश करने वाले पड़े हैं और आज हम बनाएंगे काले चने। लो जी चाय गर्म हो गई है, इसमें चीनी डाल ली। ये लो पकड़ो, ये लो डालो, खुद ही डालनी है ये लो खुद ही। ये मैंने जो है आइसिंग शुगर रखी हुई है, और वैसे मैं बच्चों को चीनी नहीं डाल के देती। लो चलो जी अंदर चली गई है चीनी, चलो चलो लेटो जल्दी से सोफे पे जाके। तो ये सारी जी मेडिसिंस पड़ी हैं और मेडिसिंस हमने खानी है क्योंकि तबीयत ख़राब है, तो मेडिसिन खाना भी लाजमी है। चूल्हा जो है मैंने ठीक करवाने भेजा था उसको गैस पे कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन गैस पे कन्वर्ट नहीं किया उन्होंने और ये इस तरह की कोई आग दे रहा है ऐसे। ओह माय गॉड, ये इस टाइप की गैस दे रहा है और ब्लैक कर देता है हर चीज़ को। ये देखिए अगर मैं इसको हल्का करती हूँ, आई डोंट नो क्या हो रहा है इसके साथ, इसको दोबारा से ठीक करवाना पड़ेगा। सिंगल चूल्हा मैंने उतार दिया था क्योंकि गैस का काफ़ी इशू है, गैस आती नहीं है और सिलेंडर पे मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ सिंगल चूल्हे की वजह से। तो अभी इन कटर्स को रखती हैं अलमारी में, इन कटर्स को मैं रख दूँगी, इन सारे कटर्स को इनको रख दूँगी मैं यहाँ पर, जब शादी के लंच बॉक्स के लिए यूज़ करने होंगे तो मैं निकालूँगी। एक बास्केट है मेरे पास, वो मैं निकाल के उसमें रखूँगी। ये फ़िलहाल मैं किचन की सफाई करना चाह रही हूँ। कपड़े मैंने धोए थे उनको मैंने तय करना है और ये हंडिया रखनी है, बस आज का यही काम है। क्या साइकिल से खेलने लग गया है? और क्या देख रहा है काशा, क्या देख रहे हो काशा?
मुझसे बताओ क्या नाम है इनका। पा पेट्रोल, पा पेट्रोल देखता है काशा। ये कौन है, ये कौन है? लेमन की। अच्छा जी, मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है, बर्तन धुल गए हैं मेरे, साफ हो गया है सारा किचन। लेकिन ये देखें, ये देखें क्या हाल हो गया है मेरे, ये चमकते हुए कुकर का। बस अब इसे बुनाई करके शुरुआ लगाना है और हमारा खाना रेडी है। फिर सिर्फ और सिर्फ ये जो कपड़े पड़े हैं ये मैंने प्रेस करने हैं, बस फिर आई एम फ्री। बारिश हो रही है, बारिश बहुत अच्छा वेदर है, लेकिन मैंने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद की हुई हैं। और मुझे ये मिल गया था, इसको मैंने उसमें पानी में घोलना है। ये तो नहीं मुझे चाहिए, बस मुझे एक्स्ट्रा एसिलेटर चाहिए, इसको मैं पानी में डालूँगी। और पाँव काफ़ी ख़राब हो रहे हैं तो वो पाँव साफ़ करेंगे थोड़े से। चने भुन गए जी, बस अब मैं इसको बॉल में डाल के अपने लिए तो निकाल ही ली मैंने, अब ले आई हूँ। मुझे बहुत पसंद है भुने हुए चने, मैं खाती हूँ। मेरे साथ तो काशा भी खा रहा है, खुद ही खा लो। काशा कह रहा है मेरी आंखों से सेक नहीं कर रहा है मम्मा, उसको बुखार हो रहा है, इतने दिन से इसको बुखार है और ठीक नहीं हो रहा। चलो वो देखो आपके पा पेट्रोल में कौन घूम गया है, शेज़ घूम गया है, उसको ढूंढ रहे हैं वो। अब कैसे ढूंढ रहे हैं, कार्ड लेके फिर रहे हैं वो। हाँ लेमन नहीं ढूंढ रही है। बहुत अच्छे कार्टून हैं जी ये, बच्चों को अच्छे लगते हैं। शारिक का शायद दोनों बहुत शौक से थे। शारिक जो अम्मी के घर गया हुआ है, अभी आ जाएगा वो भी। एक चोर पकड़ा है, क्या चोरी कर रहा था दिखाओ, क्या चोरी किया है, नीचे हाथ करके दिखाओ। बादाम चोरी किए हैं, ऐसे नीचे ऐसे करो ऐसे। कितने बादाम चोरी किए हैं काउंट करो, 1 2 नहीं है ज़्यादा है, खोलो मुट्ठी, 1 2 3 बादाम इस बच्चे ने चोरी किए हैं। कहाँ से लिए हैं, यहाँ से, इतनी दूर हाथ चला गया था। खाने हैं ये, इसके अंदर खा लो, खजूर में, खजूर में डाल के खा लो, लो कैंडी बना के खा लो, दो डाल के खा लो। आओ इधर, आपके हाथ में कितने हैं, दो ना मुझे, मैं डाल के दूँ। चलो जी अब हम इसको इसके अंदर डाल के देंगे बादाम। मैं दे रही हूँ लेकिन इसने मुझसे नहीं लिए, खुद ही से उठा निकाल ली उसमें। चलो जी डालो डालो बादाम, ये कीटक निकाल दो उसके। काशा ने इसमें बादाम रख लिया, एक और रखो इधर, इसको बंद करो, कैंडी बन गई है। लो जी ये देखा हमारी आलमंड कैंडी, वाओ। खोलना नहीं है, ऐसे खा लो, चक्की लगा लगा के खा के दिखाओ, चक्की लगा के। खोल के नहीं खाते ये, एक नहीं खाता, खजूर नहीं खाता, इसके अंदर से बादाम निकाल के खा लेगा बस, है ना गंदा बच्चा। लाओ मुझे दे दो, नहीं खानी तो। चलो जी नहीं ये नहीं खा सकता जी, ये हम खुद ही खा लेते हैं, ये शारिक भाई को दूंगी मैं। चले जी ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और प्लीज़ दुआ करें कि ये जल्दी ठीक हो जाए। हंडिया मेरी बिल्कुल रेडी है, भूनने के बाद मैंने शुरुआत लगा दिया था। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।